हेलो लर्नर्स, मैं संजीव आपका स्वागत करता हूँ इंग्लिश लिटरेचर अड्डा पर। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही बढ़िया टॉपिक, जिरंड एंड इन्फिनिटिव। और इसको समझेंगे कि जिरंड क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, और इसका यूज़ करके कैसे हम एक हिंदी सेंटेंस को पहचान करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम जिरंड और इन्फिनिटिव, ये अगर हिंदी सेंटेंस में है तो इनकी पहचान क्या है? देखिए, इनकी पहचान है, मान लो कोई सेंटेंस है और जैसे ही टहलना एक अच्छा व्यायाम है, पक्षियों को मारना पाप है, सोना जरूरी है। तो इसमें तुम्हें दिख रहा होगा एक कॉमन वर्ड है, वो है इनमें से ना, ने, नी, टहलना, मारना, सोना। तो अगर किसी वर्ब के बाद में ना, ने, नी इनमें से कोई भी एक है तो ये मान लो वहाँ पे जिरंड और इन्फिनिटिव का यूज़ होगा। पहली पहचान तो ये है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी पहचान तो बस यही है, फिर है इनका यूज़ कि जिरंड क्या है और इन्फिनिटिव क्या है। अब देखिए देखिए, जैसे आपको पता है एप्पल मीन्स सेब है ना, एप्पल मीन्स सेब, गो मीन्स जाना, ये तुम्हें पता है। ऐसे ही जो जिरंड है, जिरंड का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, और ये सेंटेंस में नाउन का काम करता है। जैसे गो, तो अगर गो में हम ing जोड़ दें और ये एज अ सब्जेक्ट काम करे ना कि वर्ब, तो ये होगा जिरंड, जैसे गोइंग होम है ना। तो ये क्या होगा, जिरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर ing जोड़ दें तो वो जिरंड बन जाता है। और इन्फिनिटिव क्या है, अब इन्फिनिटिव देखिए, इन्फिनिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं तो वो क्या बनता है, इन्फिनिटिव। जैसे टू गो, टू वॉक, टू रन, टू सिट, टू स्पीक, टू हेल्प, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू है तो वो है इन्फिनिटिव। क्या है वो होगा इन्फिनिटिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू है तो वो होगा इन्फिनिटिव। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा हुआ है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा हुआ है तो वो होगा जिरंड। और जिरंड कार्य करता है एज अ सब्जेक्ट इन सेंटेंस में। सेंटेंस के अंदर जिरंड किसका कार्य करता है, सब्जेक्ट का। तो पहचान का पता चली गया होगा। और इनका यूज हम नॉर्मल सेंटेंस में करते हैं, जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं। जैसे ये देखिए, पहला एग्जांपल है टहलना एक अच्छा व्यायाम है, ये क्या है, इज एम आर का यूज है। तो तुम्हें सभी को पता है टहलना एक अच्छा व्यायाम है। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाकर भी कर सकते हैं, और इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर भी कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले काम क्या करना है, अगर जिरंड है तो पहले पहचान लो कि सेंटेंस जिरंड है, इन्फिनिटिव है या नहीं है। मतलब इनमें से इनकी पहचान क्या है, ना, ने, नी आएगा। तो अगर वर्ब में ना, ने, नी है तो इनका यूज़ हम कर सकते हैं, अगर ना, ने, नी नहीं है तो फिर यूज़ नहीं होगा। जैसे टहलना, तो इसमें ना है, तो सिंपल सी बात है इसमें जिरंड या इन्फिनिटिव का यूज़ हम कर सकते हैं। तो टहलना, मान लो हमें जिरंड का यूज़ करना है, तो टहलने की इंग्लिश क्या है, टहलने की है वॉक। और अगर हमें जिरंड बनाना है तो इसमें ing जोड़ देंगे, हैं, वॉकिंग कर देंगे। और अगर हमें वॉक का इन्फिनिटिव बनाना है तो टू वॉक कर देंगे। आया समझ में? जैसे इसकी जगह अगर गो है, अगर इन्फिनिटिव बनाना है तो टू गो कर देंगे, और अगर जिरंड बनाना है तो गोइंग कर देंगे। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। बाकी रूल्स वही हैं, सिंपल, जो टेंस है उसी टेंस में जो है उसको ट्रांसलेट कर देंगे। जैसे टहलना एक अच्छा व्यायाम है, तो वॉकिंग हम इसको बनाएंगे जिरंड से, वॉकिंग, उसके बाद इज गुड, वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ।
हेल्थ, इस तरीके से हम इसे बनाते हैं, ठीक है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, और मान लो हमें इसी सेंटेंस का बनाना है इन्फिनिटिव, है ना। तो इन्फिनिटिव के लिए क्या कहा था, जो नॉन एनी वाली वर्ब है, नॉन एनी वाली वर्ब है, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देंगे, तो टू वॉक, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, ऐसे कर देंगे। तो आज मैं एक बार और बता दूं, सबसे पहले सेंटेंस पहचानना, अगर नॉन एनी है तो हम जिरंड या इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं। जिरंड हम बनाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर, जैसे गोइंग, रनिंग, ईटिंग, है ना, ऐसे। और अगर हमें इन्फिनिटिव का यूज करना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें नॉन एनी जुड़ा हुआ है, जैसे मारना, तो उसके पहले हम टू लगा देंगे, जैसे किल, तो हम क्या कर देंगे, टू किल। तो यही इंग्लिश हम बनाते हैं, पक्षी को मारना पाप है। तो तुम्हें क्या बताया था, मारने की इंग्लिश लिख लो किल, है ना। अब अगर जिरंड बनाना है तो आई एन जी जोड़ देंगे, अगर जिरंड बनाना है तो आई एन जी जोड़ देंगे, इन्फिनिटिव बनाना है तो पहले टू लिख देंगे, तो हम इसका बनाते हैं इन्फिनिटिव, तो टू किल, टू किल बर्ड्स, टू किल बर्ड्स इज सिन, पक्षियों को मारना पाप, ऐसे कर देंगे। आया होगा समझ में। फिर ये इसमें क्या आया, सोना, तो इसमें भी नॉन एनी है लास्ट में, तो सिंपल सी बात है, अगर जिरंड बनाना है पहले तो सोना की इंग्लिश लिखो, स्लीप है ना, अगर इसका बनाना है हमें जिरंड तो आई एन जी जोड़ देंगे, स्लीपिंग इज नेसेसरी, ऐसे कर देंगे। जरूरी की इंग्लिश क्या है, नेसेसरी, एन ई सी ई डबल एस ए आर वाई, नेसेसरी, तो स्लीपिंग इज नेसेसरी कर देंगे, अगर हमें इसका जिरंड बनाना है तो स्लीपिंग इज नेसेसरी, अगर हमें इसका बनाना है क्या इन्फिनेटिव, तो टू स्लीप इज नेसेसरी। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं, और अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को बार बार देखें। अब ये जिरंड का एग्जाम्पल है, तो अब हम एग्जाम्पल समझते हैं जिरंड के, और थोड़ा ध्यान से समझिए। जिरंड का आपको क्या बता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़कर हम ये जो जिरंड नाम का प्राणी है ये हम बना देते हैं, ठीक है। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सा बच्चा सा है सीखने के लिए। तो ये पहला सेंटेंस तो करवा ही दिया आपको कि घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो इसमें ना कौन से में जुड़ा हुआ है, घूमना, घूमने की इंग्लिश क्या है, वॉक। अब देखिए इसमें वॉक में आई एन जी जोड़ दिया, वॉकिंग कर दिया, बाकी सारा सिंपल सेंटेंस है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ऐसे कर देंगे। आया समझ में। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, झूठ बोलना बुरी आदत है, अब इसमें ना कौन से में जुड़ा हुआ है, बोलना, बोलने की इंग्लिश क्या है, टेल, टी ई डबल एल, अब इस टेल में क्या जोड़ दिया है, आई एन जी जोड़ दिया है, है ना, टेल में क्या जोड़ दिया है, आई एन जी जोड़ दिया, तो झूठ बोलना, तो बोलना टेलिंग, ए लाई इज अ बैड हैबिट, ओके। और एक बात का और ध्यान रखना है तुम्हें, अगर बैड हैबिट, तो जितनी भी बुरी आदतें हैं उसका हम जिरंड ही बनाते हैं, जो हमें हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए, या अगर सेंटेंस में सेंस ही है कि ये आज के बाद नहीं करना है जीवन में, तो उसके लिए याद रखना वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से ही बनेगा, वो वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब इन्फिनिटिव से उसका जो ट्रांसलेशन होगी वो गलत होगी, ठीक है। तो जिरंड में ये आपको जरूर याद रखना है, जैसे यहाँ झूठ बोलना बुरी आदत है, तो सिंपल सी बात है ये बुरी ही आदत है और इसको हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे बनेगा, ये सिर्फ और सिर्फ जिरंड से इसको बनाना सही होगा, ठीक है, ग्रामेटिकली। तो टेलिंग अ लाई इज अ बैड हैबिट, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए ना कौन से में जुड़ा हो, तैरना, तो ये वर्ड उठा लो, और तैरने की फर्स्ट फॉर्म में स्विम क्या है, स्विम, अब इन्होंने क्या करा, इसमें आई एन जी जोड़ दिया, अब जब आई एन जी जोड़ेंगे तो एम डबल हो जाता है, तो स्विमिंग कर दिया, तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, ऐसे कर देंगे। उसके बाद लिखना बंद करो, तो स्टॉप राइटिंग, इसका मतलब है हम ऐसा के लिए लिखना बंद कर दो, स्टॉप राइटिंग। उसके बाद पूजा को पढ़ना अच्छा लगता है, पूजा लाइक्स रीडिंग, इसमें पढ़ना, तो रीडिंग है ना, तो पूजा लाइक्स रीडिंग, पूजा को पढ़ना, पूजा पढ़ना पसंद करती है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पूजा लाइक्स
रीडिंग, देखना ही विश्वास करना है, तो सीइंग इज बिलीविंग, उसे नाचने का शौक है, इसमें ने जुड़ा हुआ है तो सी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, करना ही सीखना है, ना जुड़ा हुआ है तो डूइंग इज लर्निंग, गाना मेरा शौक है तो इसमें ना जुड़ा हुआ है सिंगिंग इज माई हॉबी, इसमें आई एन जी जोड़ना है, जिसमें ना जुड़ा हुआ है उसमें आई एन जी जोड़ना है, तो ऐसे कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में भी वही सेम पहचान है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो इन्फिनिटिव में क्या बता था, जो भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है जिसमें ना नहीं नहीं जुड़ा हुआ है उसके फर्स्ट फॉर्म लिख लो, तो टहलना मतलब वॉक, और इससे पहले टू लगा दो, तो टू वॉक इज गुड, इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। उसके बाद पक्षियों को मारना पाप है, तो मारना इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, किल, इसके पहले टू लगा दो, तो टू किल द बर्ड्स इज सिन। उसके बाद गरीबों को सताना अच्छी बात नहीं है, सताना, तो सताने की जो फर्स्ट फॉर्म है टीज, टीज के पहले टू लगा दिया, टू टीज द पुअर इज नॉट गुड, ऐसे कर देंगे। उसके बाद गलती करना मानवीय है या गलती करना इंसान का काम है, तो टू अर इज ह्यूमन, ऐसे कर देंगे। अर मीन्स गलती करना। मैं खेलना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, ये क्या है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसमें क्या है ना कौन से में जुड़ा, खेलना में, तो खेलने की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, इसके पहले टू लगा दो, टू प्ले, लेकिन ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले आई वॉन्ट और फिर ये लिख देंगे खेलना, खेलने की क्या है प्ले, तो ये है इनफिनिटिव क्योंकि इसमें ना जुड़ा हुआ है तो इसके पहले टू भी लगाएंगे, आई वॉन्ट टू प्ले। उसके बाद आरजू सोना चाहती है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और उसका स्ट्रक्चर हमें पता है कि भाई पहले जो है सब्जेक्ट फिर वर्ब, ऐसे हम करते हैं, तो आरजू वॉन्ट्स, अब सोना इसकी इंग्लिश क्या है, अगर तुम्हें बताता इसकी इंग्लिश है स्लीप, और अगर ना नहीं जुड़ा हुआ है तो उसके पहले हम टू का यूज़ करते हैं, तो आरजू वॉन्ट्स टू स्लीप, ऐसे कर देंगे। उसके बाद वह नाचना पसंद करती है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सिंपल सी बात है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, ऐसे कर देंगे, तो शी लाइक्स और नाचना, नाचने की है डांस, और ये क्या है इन्फिनिटिव है, ना नहीं नहीं जुड़ा हुआ तो इसके पहले टू लगा देंगे, शी लाइक्स टू डांस, और इसे ऐसे भी करते हैं, शी लाइक्स डांसिंग, इसे जिरंड भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इन्फिनिटिव ही बनेगा या जिरंड ही बनेगा, बस ध्यान इतना रखना है, अगर कोई सेंटेंस में ऐसा है कि जो चीज़ हमेशा छोड़ने के लिए कही गई है तो उसके लिए हम जो है जिरंड का प्रयोग करते हैं, और बाकी नॉर्मल के लिए हम जिरंड और इन्फिनिटिव दोनों का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, रेलगाड़ी आने वाली है, अब जो आने वाली मतलब संभावना है, संभावना के लिए अबाउट टू का यूज़ करते हैं, ये भी ध्यान रखना है, आने वाला आने वाली, इसके लिए हमेशा अबाउट टू का प्रयोग करते हैं, आने वाला आने वाली, इसकी इंग्लिश क्या है अबाउट, तो द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, तो ये सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव का है, मुझे पीने के लिए पानी दे दो, तो गिव मी वाटर, मुझे पानी दे दो, और ना नहीं किस में जुड़ा है, इसमें पीने के लिए, तो टू ड्रिंक, ऐसे ही सेंटेंस सारे के सारे कर लेंगे। या खेलने का समय नहीं है, इट इज़ ना खेलने, ना नहीं इसमें जुड़ा हुआ है तो इट इज़ नॉट टाइम टू प्ले। उसके बाद यह सब खाने में मीठा है, खाने में, दिस यह सेब खाने में मीठा है, सॉरी सेब है, यह सेब खाने में मीठा है, दिस एप्पल इज स्वीट टू ईट, खाने, ना नहीं जुड़ा हुआ तो इसके पहले टू लगा देंगे, वह अपनी सहेली से मिलने गई थी, सी वेंट टू मीट हर फ्रेंड, ऐसे करते हैं। तो यह था जिरंड और इन्फिनिटिव, और इसको समझने के लिए और अच्छे समझने के लिए वीडियो को एक दो बार देखें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से और 10th और 12th का कंप्लीट कोर्स इस पे आ जाएगा, और वो देखने के लिए और अपने पैसे बचाने के लिए, अपना समय बचाने के लिए चैनल पर बने रहे, आज से ही 10th की वीडियो आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।